हेलो 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 आई एम ऑडिबल विजिबल प्रॉपरली सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज वेरी गुड इवनिंग यार सो वेरी गुड इवनिंग यार फटाफट फड़ से नीचे चैट करो फटाफट फड़ क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ प्रॉपरली विजिबल हूँ फटाफट से नीचे चैट करो तो वेरी गुड गया फटाफट से नीचे चैट करो फटाफट क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ फटाफट चलिए आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल थैंक्स दिवेश गांधी थैंक्स भाई गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय श्री राम सर जय श्री राम जी जय श्री राम गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग मुस्कान गुड इवनिंग तनिषा दिवेश सही बोल रहा है लाइक like कर दो सब बच्चे फटाफट से यार फटाफट से आओ ज्वाइन करो फटाफट अपने रेलिवेंट ग्रुप में शेयर करो देन हम लोग आज अपना आगे का आरटीआई एक्स स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इसको कंप्लीट भी कर लेंगे सो हाउ आर यू आर कैसे हो आप लोग भाई आज है थोड़ा सा रेनी भार वेदर है तो अगर बीच में नेट फ्लक्चुएट करता है तो उस चीज को हमें मैनेजेबल करना होगा मैं आफ्टर दैट वीडियो कंप्लीट कर दूंगा इनकेस अगर नेट फ्लक्चुएट करता है तो फटाफट फड़ से करो गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट फड़ से यार जस्ट मैं एक जगह शेयर करना है मुझे फटाफट चलिए यार तूफान अच्छा सोनू भी आ गया चलिए भाई स्टार्ट करें फिर आज देखो लास्ट क्लास में कुछ नहीं कुछ डेट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ इंपोर्टेंट डेट आज उम्मीद है यार सब बच्चे पढ़ के बैठे हैं थोड़ा थोड़ा सबने रिवाइज कर लिया चुटकू सा चैप्टर बट वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर सर एट मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन जो आ, आता है यूजली वो आने के हाई चांसेस हैं इस चैप्टर से तभी हमने ऐसे किया है हां मैं दिल्ली में हूं तभी यहां बारिश है तो तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं यार एक क्वेश्चन एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट मुझे एक प्यारा सा रिप्लाई करेगा जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था वेदर राइट टू इंफॉर्मेशन मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं वेदर जो इंफॉर्मेशन लेने का राइट right है क्या सर ये स्टेचुरी राइट right है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कमॉन वाइज वेदर दिस राइट इज स्टेचुटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अच्छा एक छोटा सा काम करो फटाफट से लाइक करो और अपने रेलिवेंट ग्रुप में जिसमें भी आप हो उस ग्रुप के अंदर प्लीज इसको फटाफट शेयर कर दो यार फटाफट से उस ग्रुप के अंदर इसको शेयर कर दो चलो मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो वेदर राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अस्टेच्यूटरी राइट चलो जी कुछ आंसर आ रहे हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बच्चा बोल रहा है स्टेचरी कुछ बच्चा बोल रहा है बोथ बहुत बढ़िया यार फटाफट से बताओ मुझे थैंक यू भाई थैंक यू मैग्नेट माइट आपको अच्छा लगा बहुत बढ़िया यार तो फाइनली कंक्लूड करें तो आंसर ऐसे नहीं करेंगे यार हवा हवाई में बातें नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन आ सकता एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द स्टेटस व्हाट वाज़ द स्टेटस व्हाट वाज़ द स्टेटस ऑफ आरटीआई एक्ट बिफोर ड्वेलिंग बिफोर डुएल इज द स्टेटस लिखी देता हूं वट इज द स्टेटस ऑफ आर टी आई मैं एक्ट नहीं बोल रहा हूं राइट टू इंफॉर्मेशन बिफोर ड्वेलिंग ड्वेलिंग का मतलब बनना बिफोर एन एक्टिंग बिफोर एनएक्टिंग आर टी आई एक्ट टू थाउजेंड फाइव सर राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या स्टेटस था मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइव मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी केस एग्जामिटी थ्रू इसका आंसर हमें डिस्कस करना है जैसे एज आपको promise किया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास कि सर ईच एंड एवरी केस जो लैंडमार्क जजमेंट होगी हम लोग सारे अपने इस रिविजन लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से यार मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों के से फटाफट से एक तो लाइक करो एक फटाफट से मुझे आंसर दो यार फटाफट कि सर आर एक्ट आने से पहले राइट टू इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता था मिलता भी था कि नहीं मिलता था कम ऑन यार ऑन द अरे मजा आएगा बारिश में पढ़ने का अलग ही मजा यार सोनू आर ऑलवेज ग्रेट भाई ये दिखाता है कि आपने किस तरीके से मेहनत की है क्लासेस में मेरे साथ भाई अच्छा ग्रुप में ऐड किया एक मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर ले रहा हूं यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट बिग 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 थैंक्स फ्रॉम माय साइड यार इतने मैसेजेस आ गए यार आप लोगों के इतने आ गए जो बच्चा आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहेगा सात सौ बच्चों को तो ग्रुप में कर दिया है। आप देख सकते हो सेवन के राउंड में ग्रुप में कर हैं। बट और भी बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं यार जो नहीं हो पा रहे हैं अभी भी पांच सौ छह सौ बच्चों के मैसेजेस कम से कम पेंडिंग है कम से कम तो यार जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं आप लोगों को ऐड कर रहा हूं एक छोटा सा फेवर कर दो जिन बच्चों ने पहले मैसेज किया है जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं और जो ग्रुप में ऐड नहीं है एक बार मुझे दोबारा से या तो क्वेश्चन मार्क लिख के डाल के भेज दो डोट लगा के भेज दो बस एक छोटा सा काम जरूर करना अपना नाम जरूर भेज देना यार बहुत सारे बच्चों ने नेम ने नहीं भेजा तो प्लीज अपना नेम ने ने जरूर भेज देना सो दैट की मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे पाऊं ठीक है जी चलिए भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू भाई ऐसा नहीं है रहे सोनू सारा दिन पढ़ते हो आप <laughs> इधर ध्यान दो अपनी तरफ ध्यान दो हमें भी पढ़ना है ऐसे सोनू की तरह चलो अभी नहीं आफ्टर लेक्चर कर देना यार आफ्टर लेक्चर प्लीज जो जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं हुआ वो बच्चा इधर ध्यान दो सारा बच्चा वरना मेरा ध्यान फिर आपकी तरफ जाएगा सर एक प्यारा सा केस लो आया एक प्यारा सा केस लो बहुत ही बढ़िया केस लो आया लैंडमार्क जजमेंट है फाइव मार्क्स क्वेश्चन है लिख लेना एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं हाई चांसेसर एक केस लो ने उस केस लो का नाम था

सर एक ये स, इधर सर आर टी आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर थोड़ा सा काम आप लोगों के लिए इजी कर दिया मैंने ये लिख के बोलते सर इस केस लो ने बताया क्या स्टेटस था राइट टू इंफॉर्मेशन लेने के इस अधिकार का हमारे इंडिया में क्या स्टेटस था सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़े प्यारे तरीके से बड़े प्यारे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समझाया कि सर जब तक आरटीआई एक्ट नहीं भी आया था ना जब तक आरटीआई एक्ट ने जन्म भी नहीं लिया था सर सोचो सो ख्याल भी नहीं थे मनमोहन सिंह ने एक्ट बनाया था मनमोहन सिंह जी ने जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन उनकी रिकमेंडेशंस पे एक्ट बना था सर कह रहा है कि जब एक्ट बना भी नहीं था ना बना भी नहीं था अब इधर ध्यान से सुन लो उस टाइम भी ना हमें राइट टू तो इंफॉर्मेशन के अधिकार थे सुप्रीम कोर्ट ने बोला थे अधिकार अब क्यों टेंशन ले रहे हो अधिकार तब भी थे बस फर्क इतना है पहले वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे अब एक स्पेशल लॉ बना के स्पेशल स्टेच्यूटमेंट बना के सर आपको वो अधिकार दिए गए हैं कम ऑन यार तो दो सिचुएशन है सर देखो इधर ध्यान दो सर ये आपका आरटीआई एक्ट आया क्या आया आरटीआई एक्ट दो सर एक सिचुएशन थी इससे पहले एक सिचुएशन है इसके बाद सर इससे पहले बिफोर सर इसके बाद आफ्टर सर इससे पहले जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन था ये ओनली ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सर इसको हम ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का नाम देते थे क्यों सर क्योंकि ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स था हमारा सर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 सर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन और नाइनटीन में भी स्पेसिफाई कर दू क्लोज ए आर्टिकल ट्वेंटी वन तो पूरा का पूरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इधर ध्यान दो सारा बच्चा सर इन दो आर्टिकल्स में जैसे कि इस वाले आर्टिकल में अगर मैं आपके सामने बात करूं सर इस वाले आर्टिकल की अगर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूं बहुत ध्यान से यार बहुत ध्यान से इसका मैंने ना कंप्लीट चार्ट बना के रखा है कंप्लीट चार्ट आप लोगों के लिए तो बड़े ध्यान से बट एक एक लाइन में सम अप कर रहा हूं सर ये वाला आर्टिकल बोलता है आप सबको याद है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फटाफट से बना लो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर हर इंसान को अपनी बात बोलने का अपने व्यूज को रखने का अधिकार है बोलना इंक्लूड साइलेंट रहना तो हर इंसान को अपने व्यू पॉइंट्स को बोलने का अधिकार है तो सर आपको इस अधिकार के अंदर बोला गया है सर राइट टू रिसीव राइट टू इंपार्ट इंफॉर्मेशन राइट टू इंपार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन तो इस राइट के अंदर सर ये भी कवर होता है किसी बच्चे ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा या जो मेरी रेगुलर क्लास का स्टूडेंट है तो वो तो अपने आप ही समझ जाएगा तो सर ये आपको अधिकार पहले भी देता था इंफॉर्मेशन लेने का क्योंकि आप फ्रीडली जब तक आप कोई फ्रीली डिसीजन नहीं ले पाओगे जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो राइट टू इंपार्ट एंड राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है जी इधर ध्यान दो सारा बच्चा अब सर आर्टिकल ट्वेंटी वन भी कुछ इसी तरीके का है सब बच्चों को पहले से ही पता है सर राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी कम ऑन यार सब बच्चों को पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अब लाइफ को नाम राइट टू लिव भी बोल लेते हैं अब राइट टू लिव राइट टू लाइफ डूड राइट नोट टू लाइफ मतलब सुसाइड करना हमारा राइट नहीं है जैसे यहां राइट टू स्पीक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या मैं बोल सकता हूं राइट टू स्पीक सर इट इंक्लूड्स राइट टू स्पीक स्पीक ना बोलना इंक्लूड नोट टू स्पीक तो दोनों राइट है ऐसे सर राइट नोट टू लीव हमारा राइट नहीं है बट राइट नॉट टू लीव साथ दोनों ही सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो रहे दोनों चैप्टर राइट नॉट टू लीव सर ये हमारा राइट right नहीं है हम अपनी जिंदगी अपने आप से नहीं छीन सकते सर तो थोड़ा सा ध्यान से अरे वो नहीं बताना फ्री मूव फ्री वो वाला नहीं है यहां इतना समझ में आया बट एक बात ध्यान रखना लिबर्टी ए के गोपालन केस ने बोला था सर लिबर्टी इज नॉट रिजिड नॉट कॉन्स्ट्रेन सर लिबर्टी को सिर्फ बॉडीली बॉडीली रिस्ट्रेंट तक नहीं मानेंगे सिर्फ आपको कैद करने तक लिबर्टी को नहीं मानेंगे राइट टू स्लीप राइट टू प्राइवेसी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लिबर्टी तो बोलते हैं सर दिस इंक्लूड्स राइट टू नो सर आर्टिकल ट्वेंटी वन हमें प्रोटेक्ट करता है राइट टू नो को लेकर भी हमारे अधिकार है जानना और राइट टू नो के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन कोई बात अगर आप जानोगे तो सर आपको इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्या मुझे बताओ सिद्धार्थ जैन खाक सिंह ने खड़क सिंह है हाँ। वही ना आपने गलत लिखा था। बहुत बढ़िया अगर आप लोगों को केस लो याद ध्यान दो अभी बट कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे डिटेल क्या मुझे बताओ क्या ये एक्ट ना आता तो भी क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट था क्या हमारे पास फिर भी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अधिकार था सर यही चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली सर आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्यारे प्यारे शब्दों में बात को बोला कि सर अगर हमारे पास अगर ये आ, एक्ट ना भी आता ना तो भी हमारे पास सर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था बट नाउ यह स्टेचुरी राइट भी बन गया सर इसको स्टेचुरी राइट भी बोला जाएगा अब सो कैन वी से दैट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज चेचुरी राइट तो फटाफट से लाइन पढ़ लो यार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट अ मेयर राइट राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट मेयर मेरे सिर्फ आरटीआई एक्ट आने के बाद ही उसको नहीं मिली रिक्निशन लेकिन आरटी जो राइट टू तो इंफॉर्मेशन है उसको फंडामेंटल राइट भी माना जा, जा, जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है सो वी कैन से दैट टल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल टू ट्वेंटी वन लोक कर दू सब बच्चों को समझ में आ गया फटाफट फड़ से मुझे आंसर दो क्या सब बच्चों को समझ में आया क्लियर हो गया सब बच्चों को नैन उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं यार अगर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला तो क्या आपके पास सब कुछ है एग्जाम में लिखने के लिए चलिए एक प्यारा सा प्रोविजन डिस्कस करता हूं दैट इज ऑब्जेक्टिव सर एक प्यारा सा प्रोविजन है ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया यार अथॉरिटीज के तो नाम याद होंगे ना आज काम आएगा आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है यस यू कैन क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के के केस में आप रिट पटिशन फाइल कर सकते हो टेंशन सर आज पैक करवा देना बिल्कुल पैक हो जाएगा एग्जाम में उठाना बस सोनू फिर सीधा उठा टेंशन लो अभी थोड़ा सा बैच आगे तो बढ़ने दो मेरे भाई संजीवनी बूटी का मिलेगा चैप्टर तो पूरा होने दो उसके बाद उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको दे दूंगा क्यों टेंशन ले रहे हो अगर मैं इस सेशन के बीच में आंसर कैसे लिखना है वो बताने लगा ना यार तो रिवीजन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा मैंने उसके लिए आपको पहली क्लास में ही बोला था आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा मैं ग्रुप में इस ग्रुप में ऐड हो जाओ देन उसके बाद आप उसको ट्राई करना और उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए डालूंगा देन उसको मैच कर लेना आपकी कहां गलती है क्योंकि एक एक बच्चे का अब मैं लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा ये राइटिंग सेशन ही रिविजन सेशन है राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मेरी क्लास वाला स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से लेक्चर लिए हैं वो मुझे भेज देना मैं देख लूंगा बाहर वाले बच्चों के लिए जो बच्चों ने लेक्चर्स नहीं लिए हैं उनके लिए मैं उसका आंसर फ्रेम करके दे दूंगा एंड देन आप मैच कर लेना सर कहां तक आपका ठीक है ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट वो राइट right होते हैं जो पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अ वाइडर टर्म अगर मैं बात करूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है और इसके अंदर ये हमारे फंडामेंटल राइट right है ये फंडामेंटल राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन right तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो उसमें भी राइट right दिए गए हो बट आउट ऑफ विच जो हमारे ऐसे राइट right है जिनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते ऐसे राइट right जिनको हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते डिप्राइव नहीं कर सकते पार्ट भी नहीं कर सकते जिनको हम अपने आप से जुदा नहीं कर सकते उनको फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो होगा ही सर सब बच्चों ने आर्टिकल 14 टू 35 पढ़े हैं तो पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली 32 तक ही मान लो आप मेनली 32 तक मान लो कॉन्स्टिट्यूशन तो यार ये और ज्यादा ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे इधर ध्यान दो सर ऑब्जेक्टिव क्या है सोनू तो में ऑब्लिगेशन हाँ सही बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सर तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं, तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आरटीआई एक्ट बताता है एक ऑब्जेक्टिव और भी है बट जो मेन है वो है थ्री ऑब्जेक्टिव ध्यान से सर ये क्या करेगा टू सिक्योर मतलब कि फैसिलिटेट फैसिलिटेट एफ ए टू सिक्योर मतलब कि फैसिलिटेट एक्सेस आगे लिखो टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी आगे लिखो टू प्रोमोट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटेबिलिटी याद है accountability. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको इन जनरल एग्जाम में आएगा तो आप ये लिखना क्योंकि केस लोगों ने बताया था ये तीन हैं लेकिन अगर वैसे इन जनरल अगर आपको बढ़ाना है तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी याद है लास्ट क्लास में बोला था पार्टी डेमोक्रेसी बनाना और पीपल सेंटर्ड क्या करना पीपल सेंटर्ड लोज बनाना बेसिकली बोला गया था पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट करना देश के अंदर लोगों से पूछे बिना पता भी न हले पीपल सेंटर्ड यार जो भी बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल की बात कर रहे हैं पहली बात हमें ना ये की वर्ड्स लर्न करनी है देखो ये की वर्ड्स ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पार्टिसिपेटरी आगे पीछे तो यार ट्वेल्थ में भी पास आए हो, हो ना सेंटेंस फ्रेमिंग तो आपको खुद करना होगा वो तो अभी इस लेवल पे आके हम लोग नहीं सिखा पाएंगे हम लोग इस रिवीजन में या रेगुलर बैच में भी बच्चों को ना ये कीवर्ड्स देते हैं एग्जामिनर को सारा सारा नहीं चाहिए एग्जामिनर को बस की वर्ड पे फोकस करना है सब कुछ बैठ के पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है सबको बस चाहिए क्रीम आप लोगों को भी जो रिविजन में क्या चाहिए क्रीम चाहिए ना आप लोग क्यों देखना चाहोगे कौन सी क्वालिटी का दूध लिया है सर कैसे उसको बिलोया गया आपको नहीं देखना भाई आपको सेंटेंसिंग नहीं देखनी आपको एग्जामिनर को देखना है अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बच्चे ने की पॉइंट दिए हां दिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो बेस्ट बेस्ट फॉर्मूला है जीआईजीएल पेपर का सर आपको एक की वर्ड जो मैं इस रिवीजन में सारे देके जाऊंगा वो की वर्ड आपको रिवाइज करने हैं समझ में आ रहा है सब बच्चों को देखो वो मैं बताऊंगा अभी वो गुड गवर्नेंस वाला ना मैं बताऊंगा क्या इतना समझ में आया आपको सर किस चीज के अंदर आप ये बोल रहे हो एक्सेस देना ट्रांसपेरेंसी देना अकाउंटेबिलिटी देना किस चीज के अंदर देना कमोन यार किस चीज के अंदर देना है ट्रांसपेरेंसी और ये एन ये किस चीज के अंदर देंगे ट्रांसपेरेंसी वगैरह फटाफट -फड़ से मुझे आंसर दो किस चीज में हिंदी वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी सर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं सर वो उनके काम करने के तरीके में अगर ट्रांसपेरेंसी ले आए सर उनको जवाबदेही उनकी बढ़ा दी सर उनकी अगर इंफॉर्मेशन को उनकी वर्किंग एनवायरमेंट को अगर आप एक्सेस कर पाओगे तो क्या उनके दिमाग में डर नहीं रहेगा क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ जाएगी सर जवाबदेही नहीं बढ़ जाएगी सर क्या यही सारी चीजों को मैं मिला दूं क्या यह एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं एक लिंकिंग का, का काम कर रहा है लिंकेज बिटवीन लिंकेज बिटवीन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड गुड गवर्नेंस क्या आपको पता है गवर्नेंस आपने कभी सुनी है सर यही तो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नेंस का भी यही तो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नेंस का भी कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एक्सेस कर पाए उनकी इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेसी ला पाए सर यही तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है तो बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए हम एक बात बोल सकते हैं देर इज अ लिंकेज बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड अ गुड गवर्नेंस इनफैक्ट इनफैक्ट मैं तो यह बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारा का सारा एक केस लोग अंदर समझाया है ये जो मैंने ऊपर आपको लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंजलि भारद्वाज अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स सर 2019 का केस है 2019 में रिट पटीशन लगाई गई थी बेसिकली 2018 में सिविल रिट पटीशन लगाई गई थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर फैब 15 2015 में 2019 में सॉरी डिसाइड किया कि सर इनफैक्ट लिंक लिंक छोड़ दो हम तो यह मान रहे हैं एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है सर मेन इस एक्ट का एम्फेसाइज है यह एक्ट खुद से रिकॉग्नाइज करता है किस चीज को गुड गवर्नेंस तो वो लाइन में लिख रहा हूं फटाफट से सारे बच्चों लाइन नोट कर लो मेरे साथ साथ एग्जाम में आ सकता है ये पूरा का पूरा केस अगर आए तो ये ऊपर वाला सारा लिखाना जो भी ऊपर वाला मैंने आपको कंक्लूड किया है बट मेन ये कंक्लूजन जरूर लिख के आना क्रक्स ये क्रक्स जरूर लिख के आना आप लोगों को इनफैक्ट सर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनफैक्ट आर टी आई एक्ट इट्स सेल्फ सर लिंक लिंक छोड़ दो बल्कि ये तो इट्स सेल्फ एम्फेसाइज करता है इट सेल्फ लेज एम्फेसिज ऑन गुड गवर्नेंस एंड रिकोगनाइजेज दैट इट इज वन ऑफ द इनफैक्ट ये तो खुद एम्फेसाइज करता है सर गुड गवर्नेंस पे और मानता है कि इनफैक्ट ये तो इसका एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है इनफैक्ट दिस इज इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैड एक्ट सर इनफैक्ट आरटीआई एक्ट का तो ये एक ऑब्जेक्टिव ही है सर क्या गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना क्योंकि डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो डरेंगे सर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स काला घोटाला करने में पैसे खाने में डरेंगे उनको डर होगा

आप मुझे पता है मेरे अगेंस्ट स्टार्ट कर दो आर आई लगाने की कोशिश करना अच्छा ये बताओ किस किस बच्चे के दिल में ख्याल आया था कि सर हम किसी पर्सन के अगेंस्ट आरटीआई लगाएंगे सच सच बताना जब पहली बार ये पढ़ा नलायक सोनू कह रहे थाईलैंड ट्रिप दुबई में भिजवा दू तो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लगा सकते आप देर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी वाला लाइक like कर दो भाई, लाइक like कर दो बहुत कम लाइक आज तो हम फटाफट से लाइक करो जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया पाप लगेगा फटाफट लाइक करो बास सोनू कह रहे सर आप पीए थोड़ी ना हो पब्लिक अथॉरिटी थोड़ी ना हो अगर होगा तो मेरे अगेंस्ट भी लगा सकते हो सर आपकी सैलरी पता लग सकती है एक बार लगा कर देखो पता लगेगा चलिए कह रहा आई से ही अगेंस्ट लगाएंगे न क्या मिल जाएगा चलो भाई चलो इधर ध्यान दो सारा बच्चा सर मैं दिल से कह बोल रहा हूं मुझे आया था ख्याल बहुत बढ़िया अच्छी बात है चलें क्या प्रोविजन माइंड में सेट हो गया भाई देखो एक ना सेक्शन पे आते हैं सेक्शन नंबर फोर लोग सेक्शन नंबर आ लगाओ तेजस कह रहा है विवेक सरकी पे लगाएंगे लगाओ लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं लगाओ ऑब्लिगेशंस <laughs> ऑफ कोई इंसान को दो टाइम चैन की दाल रोटी खाने नहीं दोगे तुम लोग है ना बस मन में ठान ली हाँ। इधर ध्यान दो ऑब्लीगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी अच्छा ध्यान से सुनो सर सेक्शन फोर में ना ऑब्लीगेशन बताइए और मेन ऑब्लिगेशन पता है क्या बताइए सर पब्लिक अथॉरिटी को ना ड्यूटी है ड्यूटी ड्यूटी टू मेंटेन ड्यूटी टू मेंटेन एंड पब्लिश किस चीज की ड्यूटी है मेंटेन करना ड्यूटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स सर सारी पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि सर आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे टाइमली दूसरा पब्लिश करोगे सारे रूल्स कुछ मैनुअल्स हैं तो मैनुअल्स आपके कोई रेगुलेशंस कोई इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा सर जो भी आपके चीजें हैं इनको सबको आप क्या करोगे पब्लिश तो मेंटेन करोगे और पब्लिक डोमेन में पब्लिश करोगे अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल गैजेट में सब चीजों में ऑफिश वो करोगे पब्लिसाइज करोगे कर दो भाई कर दो नलायक इंसानों लाइक नहीं कर रहे हैं, नलायक इधर ध्यान दो सेक्शन लर्न करना ज्यादा कंपलसरी नहीं है अब इधर ध्यान दो सारे बच्चे सर और क्या बोला गया अगले विद इन ये क्लोज बी है विद इन वन ट्वेंटी डेज सर जब से ये एक्ट इफेक्ट हुआ था अच्छा कब से एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट कोई मुझे डेट बताएगा कोई भी बच्चा मुझे डेट बताएगा हर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करनी है क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो भी हम बात करेंगे हां अब है बोल सकते हैं काफी हद तक सफिशियंट है अगर आपने एक बार डिटेल में पढ़ा है उसके बाद अगर आप नोट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा भी कहीं पे अगर कमी है जो थोड़ा बहुत कम भी होगा तो मैं लेक्चर में कवर कर दूंगा अदरवाइज आप अपने, पे, अपने से उठा के, थोड़ा बहुत तो बढ़िया सोनू अच्छा मेरे को एक बार बताओगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनेक्टमेंट डेट बताओगेमेंट वाली डेट कौन सी है बारह अक्टूबर अच्छा अच्छा चलो रुको ना एक बार जरा मैंने कुछ लास्ट क्लास में इसका मतलब यार आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड था हाँ सीरियसली आओ देखे जरा अब बताना एक बार जरा सामने से देख के सर 120 दिन कहां से काउंट होंगे एक बार सामने से देख के बताना ये क्या लिखा था मैंने यार ओए क्या कर रहे हो फटाफट आंसर बड़ करो म, म, मस्ती में लगे हो नलायक और एग्जाम के दो महीने भी नहीं रहे पहला पेपर जे आई जी हल फाड़ के आना है पेपर इतना जबरदस्त करके आना है मैं आपके साथ हूं बट अगर ये मजे मस्ती करोगे तो कुछ मैं मैं साथ नहीं दूंगा बताना यार इसका मतलब ध्यान नहीं होता ये बस यहां आके खत्म हो जाएगा यहां आके फिसल जाओगे सारे एग्जाम में लेके आओ यहां आके मैं भी पिंगल गया फिर लिखाना पेपर में यहां पिंगल गया मैं भी डिस्टर्ब मत करो भाई बहुत बढ़िया यार अब समझ में आई अपनी मिस्टेक तभी तो एक सौ बीस दिन लिए थे नलायक हो एक सौ बीस दिन में इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड बताया तो था इनको बनाना है पब्लिश करना है फिर आपको बोला था सेक्शन फोर में मेनटेन करना है ओ आया कुछ याद ये सेक्शन फोर सब कुछ नलायक इंसानो चलो चलिए भाई लोग चलिए आई गेस देर इज टेक्निकल इशू आकाश इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो सारा बच्चा पार्टी सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इधर ध्यान दो मेरे को मैसेज मत करो बाद में कर लेना भाई मेरे को मैसेज बाद में कर दूंगा ग्रुप में जिस के लिए ग्रुप में हो रहे वो तो पूरा कर लो कर दूंगा एक बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा टेंशन ना लो एक दो दिन के अंदर सबको कर दूंगा बहुत सारे है इधर इधर ध्यान ध्यान दो ध्यान। सर 120 दिन के अंदर अंदर जब से अनेक्टमेंट हुआ है पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करना पड़ेगा क्या क्या पब्लिश करना पड़ेगा इधर सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए इधर सर पर्टिकुलर कौन से अभी लर्न करके जाएंगे हम सात आठ पॉइंट और एग्जाम का फेवरेट है ये इस बार भी एग्जाम में आया है इस बार दिसंबर में भी जून में भी आठ पॉइंट बता दो सर आठ पॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है ये देख लेना खोल के अब टेस्ट में यही क्वेश्चन दूंगा जाओ आठ पॉइंट बता दो जो पब्लिक अथॉरिटी की ओब्लीगेशन है द पर्टिकुलर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटीज तो सर किसके पर्टिकुलर बताने हैं पर्टिकुलर किसके सर पब्लिक अथॉरिटी अपनी खुद के बारे में ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद के ऑर्गेनाइजेशन के क्या फंक्शन है क्या ड्यूटीज है तो एक बार ऐसे लर्न करना है ना तो एक एक वर्ड लिखते चलेंगे यार सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे रटने वाले बच्चे इधर ध्यान दो सारे बायर्टिकुलर्स सबसे पहले क्या बताएंगे बायर्टिकुलर्स सर पब्लिक अथॉरिटीज अपनी क्या बताएगी पर्टिकुलर्स किस चीज की पर्टिकुलर्स उसके फंक्शंस की उसकी ड्यूटीज की फंक्शंस पर्टिकुलर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया अगला पॉइंट ध्यान से पावर्स एंड ड्यूटीज पावर्स एंड ड्यूटीज किसकी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज सर जो भी पीए में काम करते हैं उन सारे लोगों की क्या पावर है क्या ड्यूटीज है किस किस के क्या पावर है किस किस की क्या ड्यूटीज है वो भी बताएंगे इधर ध्यान से और देख लो सर ये लोग डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं प्रोसीजर प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सर जो भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं पब्लिक अथॉरिटीज उस डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं सर मीटिंग होगी या पोल करवाएंगे या कैसे कौन लेगा डिसीजन और किसका डिसीजन किसके ऊपर इफेक्टिव होगा तो तीन पॉइंट याद हुए पर्टिकुलर्स पावर्स एंड ड्यूटीज प्रोसीजर जो डिसीजन मेकिंग में फॉलो करते हैं तीन पॉइंट क्लियर हुए सर बच्चों को चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट इधर ध्यान दो इधर सर जो भी उनके रूल्स हैं जो ऊपर लिखा था ना रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं मैनुअल है इंस्ट्रक्शन है सर उन सबको भी पब्लिशाइज करना है जो भी रूल्स है रेगुलेशन है इंस्ट्रक्शन है कौन सी रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन सर जो उसके एंप्लॉज के लिए बनाई गई है यूज बाय इट्स एंप्लॉइज सर जो भी उसके एंप्लॉइज के लिए बनाई गई है उसको भी ध्यान रखना है इधर ध्यान दो सारा बच्चा इधर सर कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट

सर, of सर सर लिस्ट ऑफिसर एंड वो भी हम अपनी पब्लिसाइज कर देंगे और एक और एक दो और देख लो बस इधर देख लो सर मंथली रेमुनरेशन कितना जाता है सैलरी मान लो मंथली रेमुनरेशन मान लो कॉम्पेंसेशन मान लो मंथली रेमुनरेशन कितना जाता है उसके एम्प्लॉइज का ऑफिसर्स का ऑफिट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एंड ओ माई गोड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ध्यान से बहुत ध्यान से सर डिटेल्स देंगे नाम सर डिटेल्स डिटेल्स का मतलब है नेम डेजिग्नेशन ईमेल आईडी फैक्स कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इट्स पीआईओ सर जिसको आपको एप्लीकेशन लगानी है उसकी पीआईओ की डिटेल्स भी आपको पब्लिश करनी पड़ेगी और जो भी इंफॉर्मेशन सही लगेगी डिपार्टमेंट को आपसे करवा दे एक बार फटाफट -फड़ से इसको पढ़ो सब पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करो साथ साथ सर पहला पॉइंट क्या था चलो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिटेल्स किसकी डिटेल्स पीआईओ की डिटेल्स सर कितनी रेमोडेशन लेते हैं हमारे ऑफिसर एम्प्लॉइज वो बता देंगे डायरेक्टरी बता देंगे सर ए लिस्ट ऑफ नेम ऑफ इट्स ऑफिसर एम्प्लॉइज कौन कौन सी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट हम होल्ड करते हैं वो बता देंगे कोई हमारे एम्प्लॉइज जो जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो बता देंगे सर क्या प्रोसीजर है डिसीजन मेकिंग का वो प्रोसीजर बता देंगे क्या क्या पावर और ड्यूटीज हमारे ऑफिसर्स की एम्प्लॉयज की वो बता देंगे सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर फंक्शंस ड्यूटीज उसके बारे में सर हम आपको बता देंगे सर <laughs> सबसे बेस्ट सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे प्रिस्क्राइब कोई बात नहीं वो तो हर बच्चे को याद रहेगा बट मैं पहले बोल रहा हूं इस बार की रिवीजन का ऑब्जेक्टिव है हर वो चीज करवाना जो आपके दिल में यह आए सर ये छोड़ के जाना है यूजुअली बच्चा ना ये लिस्ट देख के छोड़ देता है यार ये कहानी कौन पूछेगा बट एग्जामिनर का मेन फोकस होता है आठ नंबर का क्वेश्चन आई गेस एट मार्क्स का पता नहीं सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आई से दो बार पूछ चुका है सर एग्जाम में कि सर बता दो एक बार ओब्लिगेशन ऑफ पी ए लर्न हो गया ना क्या आज से पहले लर्न हुआ था क्या मैंने लिखवा दिया क्या माइंड में सेट होगा कितना ईजी लग रहा है ना और बुक में देख के चाहे मेरी शील्ड मान लो इसके अंदर भी देखे कितना बड़ा बड़ा लग रहा है पर जैसे मैंने इसके नोट्स बनवा दिए क्या ये बिल्कुल बच्चू लग रहा है बिल्कुल बच्चू हाउ मेनी ऑफ यू पीपल एक बार शांति से इसको रिवाइज करो फटाफट फड़ से इसको रिवाइज करो बताओ मुझे क्या समझ में आ गया ये क्या लर्न हो गया साथ साथ ही सर पहले तो रटना पड़ा था अब हो गया सेट हो गया माइंड में हा बहुत बढ़िया यार इधर ध्यान दो चलो जी इसी के साथ सेक्शन फोर हुआ स्वाहा सर सेक्शन फाइव मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था पूरा का पूरा सेक्शन फाइव बट एक ब्रीफ दोबारा से बता देता हूं कि आप लोग को याद रहे यार सर सेक्शन फाइव बोलता है सेक्शन फाइव बोलता है सर लर्न हो गया बहुत बढ़िया यार डेजिग्नेशन ऑफ PIO सर हर एक पब्लिक अथॉरिटी अपने PIO को डेजिग्नेट करेगी तो सेक्शन फाइव बोलता है एवरी पब्लिक अथॉरिटी एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल विद इन ध्यान से देखना यहां बच्चा कंफ्यूज हो एक सौ बीस लिखाता है सर सौ दिन के अंदर अंदर तभी तो एक सौ दिन यहां पे डिटेल्स डालेंगे हम PIO की जब 100 दिन के अंदर ना अपॉइंट करेंगे तभी तो हम उसकी डिटेल 120 दिन में डाल पाएंगे अगर हम अपॉइंट 120वें दिन करेंगे तो क्या डिटेल डालेंगे तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल विद इन 100 डेज ऑफ दी कब से एनैक्टमेंट सर जब से ये एक्ट प्रेसिडेंट ने पास किया था उस दिन के 100 दिन के अंदर अंदर सर देख रहे हो रेशो 100 प्लस 20 डेज इस तरीके 120 दिन हुए थे सर इस तरीके से डिटेल सब डालनी थी

एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड ऑफिस सर जो भी हमारे मेन मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ऑफिस हैं उन सब के अंदर क्या करेगी सर याद है ना आपको पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी अगर वो सेंटर है अगर वो सेंट्रल लेवल की है या वो स्टेट लेवल की है वट जो भी है वट उसमें ही सेंट्रल पीआईओ और अगर वो स्टेट लेवल की है तो स्टेट पीआईओ सर पीआईओ का मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ का मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर समझ में आ गया सब बच्चों को सर अब जो छोटी छोटे चैप्टर ऑफिसेस होंगे लाइक सब डिविजनल ऑफिस तो यहां भी डेजिग्नेट करेगी डेजिग्नेट एट ईच सब डिविजनल लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वट एवर जो भी आपको लिखना है या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल है तो सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ स्टेट है तो स्टेट असिस्टेंट सर ये असिस्ट करेंगे मेन की सेंट्रल वाले की स्टेट वाले की असिस्ट करेंगे जो मेन पीआईओ है उनकी समझ में आ गया यस yes, सबकी समझ में आया भाई अब इनका काम क्या होगा सर जैसे इनके पास एप्लीकेशन आई इसको फॉरवर्ड कर देंगे फॉरवर्ड ओल अगर एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे फॉरवर्ड ऑल फॉरवर्ड ऑल एप्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन सर अगर किसी ने इन असिस्टेंट के पास एप्लीकेशन लगा दी तो वो और अगर कोई अपील अभी बात करेंगे अपील की थोड़ी देर बाद अगर कोई अपील आ गई तो उसको किसको फॉरवर्ड कर देंगे एप्लीकेशन को तो फॉरवर्ड कर देगा अगर सर वो सेंट्रल के डिपार्टमेंट के तो सीपीआईओ के पास स्टेट के तो स्टेट पीआईओ के पास तो ये इसको करेगा फॉरवर्ड ये इसको फॉरवर्ड करेगा इस तरीके से और अगर अपील की बात है तो ध्यान से दो बातें अगर वो फर्स्ट अपील है तो फॉरवर्ड करेंगे सीनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को सीनियर ऑफिसर इन रैंक सर यह अपील इसको फॉरवर्ड कर देंगे और अगर वो सेकंड अपील है तो सर इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंड करेंगे अब वो इंफॉर्मेशन कमीशन अगर सेंट्रल वाली है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट वाली है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस मे बी समझ में कितने दिन में करते हैं फॉरवर्ड ये यूजुअली विद इन फाइव डेज सर जैसे इनके पास आई पांच दिन के अंदर अंदर यह अगर अपील आई है तो अपील के लिए रेलिवेंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देंगे सर यह कहां जाके पढ़ोगे आप ये दोनों का दोनों सेक्शन नाइनटीन में और सर यह इंफॉर्मेशन की बात करें तो अपने अपने रेलिवेंट मेन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहां फॉरवर्ड कर देंगे समझ में आ गया सब बच्चों को क्या सेक्शन फाइव क्लियर हो गया जी क्या सेक्शन फाइव क्लियर फटाफट फड़ से टेल मी क्या सेक्शन फाइव क्लियर हो गया जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए फटाफट फड़ से बनाओ और मुझे बताओ क्या सेक्शन फाइव क्लियर और बताओ यार नोट्स बना के सब फटाफट फड़ से मुझे बताओ सब समझ में आ रहा है बढ़िया है सब कुछ समझ में आ रहा है भाई एक हो रहा है सर बहुत बढ़िया यार उस नलायक को भी बोलो यार वो मोहित मोहित को भी बोलो सोनू आने के लिए और बच्चे हैं जो वे देवाशीष वगैरह शिवम वगैरह सारा चैप्टर साथ साथ रिटेन हो जाएगा आप लोग की जो खुद की मेहनत है वो बहुत ज्यादा बच जाएगी और बच्चे हैं जो निखिल विखिल उनको बोलो क्या कर रहे हो आजकल पता नहीं कौन सी दुनिया में वो लोग तो क्या बता दू हंड्रेड डेज वाला 100 दिन के अंदर अंदर पीआईओ को अपॉइंट करना, करना है 100 दिन के अंदर अंदर इसमें क्या बताना है जब से एक्ट बनाया अपॉइंट so ही नहीं किया तो क्या डिटेल दोगे तो विद इन हंड्रेड डेज इसको अगले बीस दिन के अंदर वो डिटेल्स दे दो आप ठीक है जी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं ये वाले पीडीएफ में ये नहीं डालूंगा जो मैं लिख रहा हूं ये नहीं डाल रहा हूं मैं ये क्यों डालू डालने का दिल के तो डाल भी दूंगा बट मेन कंसर्न है ये वाला जो मुझे आपको देना यार ये तो मैं इस चैप्टर में लिख रहा हूं कि चलो यार पहले पहले स्टार्टिंग आप मेरा वे समझ जाओ थोड़ा सा जल्दी पढ़ने का मैनर यार सो जानिया जयंती में आपको बोल तो चुका हूं सारी बात आपने सेम क्वेश्चन मेरे को सात आठ बार बोल चुका कि हाँ सब एम्प्लॉईज की ऑफिसर्स की देंगे सबकी देंगे इधर ध्यान दो सर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आ गया जी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन यार बहुत ध्यान से देखना है सर एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो सारा बच्चा बहुत ध्यान से देखना मैं सेक्शन सिक्स और सेवन को कंबाइंड करके पढ़ा रहा हूं मैं इंडिविजुअली नहीं पढ़ा रहा हूं इस बार एग्जामिशन लूंगा हर बच्चे को लेनी है सिर्फ आपको नहीं हर बच्चे को बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से यार कंबाइंड इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कंबाइंड कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन सिक्स एंड सेवन कम ऑन गाइस सर पहली बात तो एक्ट किसको को राइट देता है सिटीजन को तो कोई भी सिटीजन सर सेक्शन सिक्स में एप्लीकेशन लगा सकता है कोई भी सिटीजन अगर चाहता है इंफॉर्मेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन अगर एनी सिटीजन सीकिंग इंफॉर्मेशन किसकी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की तो सर वो पब्लिक अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएगा ओल पब्लिक अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है जहां वो आपकी एप्लीकेशन जाएगी उस डिपार्टमेंट का नाम है पी या फिर कहां जाएगी अगर वर्कलोड उसके पास जाए तो एपीआईओ सर अब अगर वो पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल लेवल की है तो सीपीआईओ के पास चली जाएगी स्टेट लेवल की है तो स्टेट पीआईओ के पास चली जाएगी ऐसे ही एसोसिएट में भी सेम ही होगा सर अगर वो सेंट्रल लेवल के तो सी के पास चली जाएगी अगर वो स्टेट लेवल के तो स्टेट ए पी समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है अब ये चाहता है इंफॉर्मेशन तो सेक्शन सिक्स लग जाएगा भाई सेक्शन सिक्स बोलता है बड़े प्यार से सर आप इस एप्लीकेशन को लगाओ अंडर सेक्शन सिक्स एप्लीकेशन प्लस फीस भी सर आपको पे करनी है सर फीस कितनी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सर जिस टाइप की आप इंफॉर्मेशन चाहते हो लाइक अगर आप पेपर निकलवाने हो दस रुपए आपको फीस देनी है तो हर तरीके की इंफॉर्मेशन की कैटेगराइज किया गया फीस का शेड्यूल में पर्टिकुलर्स आप साथ में डाल देना सर पर्टिकुलर्स लाइक आप किस तरीके के डालो किस अथॉरिटी की आपको लेनी है विच अथॉरिटी देखो सर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं लाइक विच अथॉरिटी वाले मैं आपको समझाता हूं आपको आईसीएसआई पे आर कॉपी लगानी है तो आपकी मेन पब्लिक अथॉरिटी है एमसीए सर उसमें से कौन सी कौन से डिपार्टमेंट ले की लेनी है आपको आईसीएसआई की सो मेन आप किसके लगाते हो एमसीएमसी में कौन सा डिपार्टमेंट जिस जो उसके कंट्रोल में आता है आईसीएसआई तो इस तरीके से आप कौन से डिपार्टमेंट की कौनसी अथॉरिटी की आपको चूज करनी है वो आपको बताना पड़ेगा पर्टिकुलरली और किस साल की सर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए क्या रिकॉर्ड चाहिए विच ईयर सर वो आपको बताना पड़ेगा समझ में आ रहा है पक्का अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लो सारा इधर बच्चा इधर जान देगा सर जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन ये कैसे लगानी है सर इधर एक एरो लगा लो यहां और ऐसे सर या तो इस एप्लीकेशन को आप लगाओगे हैंड राइटिंग में या इसको आप लगाओगे टाइप रिटर्न में टाइप राइटिंग करके या इसको प्रिंट करके कोई भी चीज इसके ऊपर प्रिंट करके प्रिंट निकाल के प्लस सर लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है हिंदी लैंग्वेज भी हो सकती है ये प्लस का मतलब है और कुछ भी कर सकते हो आप और वर्निकुलर लैंग्वेज लोकल एरिया की लैंग्वेज भी हो सकती है समझ में आ रही है लोकल एरिया लैंग्वेज भी हो सकती है सर आप इसको ईमेल भी कर सकते हो मेल भी कर सकते हो मतलब पोस्ट भी कर सकते हो सर आप इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेल भी कर सकते हो और पोस्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर ध्यान देगा सारा बच्चा पार्टी इधर ध्यान दो सर अगर मान लो जो आपने एप्लीकेशन लगाई अगर वो ओरल है ओरल रिटर्न नहीं है तो सर जो पीआईओ है एपीआईओ सीपीआईओ वट सर पीआईओ आपकी असिस्टेंस करेगा हेल्प करेगा इस एप्लीकेशन को रिड्यूस टू राइटिंग करने में रिड्यूस टू राइटिंग का मतलब कन्वर्ट टू राइटिंग सर उसको राइटिंग में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेगा कौन पी सुनो अगर, तो. अगर मान लो आपने एप्लीकेशन लगा दी और वो उस पीए के एप्लीकेशन नहीं है मतलब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है उस पब्लिक अथॉरिटी की आपने एप्लीकेशन लगा दी ध्यान से सुन लो और किसको लगाई पीए को सर इसको ऐसा लगता है कि सर वो इंफॉर्मेशन तो ना मेरे पास नहीं है सर इस पर्सन को ऐसा लगता है पब्लिक अथॉरिटी को सर वो इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है मतलब वो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है उस इंफॉर्मेशन को हेल्ड बाय एन अदर पब्लिक अथॉरिटी सर वो तो ना कोई दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है मेरी इंफॉर्मेशन नहीं आपने गलती से मेरे पास लगा दी या फिर उसको लगता है जो सब्जेक्ट मैटर है ना उस इंफॉर्मेशन का वो मेरा नहीं है वो किसी और डिपार्टमेंट का है इज कनेक्टेड इज कनेक्टेड विद अदर पब्लिक अथॉरिटी सर वो जो सब्जेक्ट मैटर है ना उस एप्लीकेशन का वो मेरा नहीं है वो किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी का है तो सर अब इस केस में पीए क्या करेगा सर एक प्रोविजन बनाया पीए इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देगा सर जैसे ही उसके पास एप्लीकेशन आई पीओ रिजेक्ट नहीं करेगा उसको ट्रांसफर कर देगा विद इन फाइव डेज सर पांच दिन के अंदर अंदर सर उसको रेलेवेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा ट्रांसफर टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट सर जो भी उस एप्लीकेशन का रेलेवेंट डिपार्टमेंट है जिसके पास भी वो सब्जेक्ट मैटर होल्ड करता है या सर जिसके पास भी इंफॉर्मेशन होल्ड करती है जो भी डिपार्टमेंट सर उस पीए उसके पास उसको फॉरवर्ड कर देगा करेगा क्लोजली कनेक्टेड टू पीए विच हैज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है सर बच्चों को क्या दोनों पॉइंट क्लियर हुए अगर सर लोगों ने जो सिटीजन एप्लीकेशन लगाई वो ओरल है तो उसकी हेल्प करेगा रिड्यूस टू राइटिंग अगर एप्लीकेशन लगाई वो मेरे सब्जेक्ट मैटर की नहीं है मेरे पास एप्लीकेशन लगाई मान लो टैक्स का क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं पांच दिन के अंदर अंदर उसको फॉरवर्ड कर दूंगा विवेक सर के पास जो पर्सन उसको लेके होल्ड करता है इंफॉर्मेशन या सर जो किसी और का सब्जेक्ट मैटर है मैं उसके पास उसको फॉरवर्ड कर दूंगा लेकिन कितने दिन में पांच दिन के अंदर अंदर पांच दिन के अंदर अंदर चलिए भाई क्या समझ में आ गया कमौन मुझे बताओ क्या सेक्शन सिक्स समझ में आ गया सेक्शन सिक्स बेसिकली ना आपको मैनर प्रोवाइड करता है मैनर ऑफ एप्लीकेशन मैनर मैनर ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन हां भाई बच्चा पार्टी मुझे बताओ क्या क्लियर होगा मैनर ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन या आर टी क्या मैनर समझ में आया एप्लीकेशन ऑफ राइटिंग में टाइप रिटर्न प्रिंटिंग इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी न्यूजपेपर मेल पोस्ट कैसे भी लगा सकते हो सर आप एप्लीकेशन साथ में फीस लगानी पड़ेगी पर्टिकुलर किस अथॉरिटी की किस साल की चाहिए ओरल भी लगा दो लेकिन वो आपकी हेल्प करेंगे कन्वर्ट करने में अगर वो उस पब्लिक अथॉरिटी अथोरिटी नहीं है वो पांच दिन के अंदर रेलिवेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा क्या मुझे बताओ दो क्लियर हो गया क्रिस्टल क्लियर हो गया क्लियर हुआ या क्रिस्टल क्लियर हुआ हम ऑन यार क्लियर और क्रिस्टल क्लियर इज दैट क्लियर और क्रिस्टल क्लियर क्लियर और क्रिस्टल क्लियर फटाफट से यार अब है ना इधर ध्यान दो सारा बच्चा सर एक बात मुझे बताओ अब पीआईओ के पास इंफॉर्मेशन आ गई एप्लीकेशन आ गई अब पीआईओ कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करेगा बोलता हो अब इसके पास आने के बाद डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन यानी जो पार्टीज ने रिक्वेस्ट लगाई है विद इन हाउ मेनी डेज सर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद इन हाउ मेनी डेज बहुत बढ़िया यार क्रिस्टल क्लियर है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिल खुश हो गया यार और मेहनत की जाएगी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें और मेहनत की जाएगी तो टेंशन फ्री रहो रजिस्ट्रेशन एक्ट में मजा आ जाएगा आपको अगला चैप्टर जो सैटरडे हमारा होगा सॉरी फ्राइडे जो हमारा होगा दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट मान के चलना दस बारह नंबर आपके पक्के हो जाएंगे उसी दिन दोनों सब्जेक्ट के इधर ध्यान दो हा अनुराग दो में करेगा फिर वो फॉरवर्ड इधर ध्यान दो सर अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सब बच्चों के लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेमिंग से यार सर यूजुअली कितने दिन में करेगा इन जनरल पीआईओ अब वो पीआईओ चाहे सेंट्रल है चाहे वो पीआईओ स्टेट है वट कितने दिन में करेगा इन जनरल सर एक मेन इन जनरल टाइम लिमिट क्या है इन जनरल विद इन थर्टी डेज सर विद इन थर्टी डेज मैक्सिमम तीस दिन के अंदर रिप्लाई करेगा लीजा क्लास में ध्यान आया नहीं है आपका ये बताओ मुझे पूछ रहे है एपीआई की फॉर्म क्या है सेक्शन फाइव में क्या पढ़ा है फिर हमने क्या पढ़ा है हमने सेक्शन फाइव में लीजा है खाओगे अब ध्यान यही रहना चाहिए क्योंकि फालतू बातें नहीं हो रही क्लास में सिर्फ मुद्दे की बात हो रही है आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन नहीं की जा रही ठीक है इधर सर लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यादव सेक्शन फाइव में मैंने आपको क्या बोला था अगर वो एप्लीकेशन असिस्टेंट के पास आई तो वो पांच दिन लगाएगा उसको फॉरवर्ड करने में याद है कि नहीं है ये ऊपर हेलो ओए इधर देखो इधर जान दो क्या ये पांच दिन याद है ना पांच दिन के अंदर फॉरवर्ड कर देगा असिस्टेंट पीआईओ सेंटर को या स्टेट को वट एवर याद है ना पांच दिन नेहा कह रही है सर नौ बजे की जगह दस बजे स्टार्ट कर लो भाई मैं मेरी भी शादी वादी हो रखी मुझे भी अपने घर परिवार में टाइम देना होता है यार अभी आप समझोगे अभी थोड़े दिन रुको सीएस बनने दो उसके बाद आप समझ जाओगे नलायक इधर जान दो <laughs> अगर अगर यह एप्लीकेशन असिस्टेंट पीआईओ के पास आई है चाहे वो असिस्टेंट पीआईओ हमारा सेंट्रल लेवल का है सी ए पी आईओ है चाहे वो एस ए पी आईओ वट एवर जिसके पास भी एप्लीकेशन आई है याद आने फॉरवर्ड करता है सर पांच दिन ये लगते हैं फॉरवर्ड करता है आगे इनको फाइव डेज के अंदर अंदर सोनू कह है छोटी छोटी बीबी बच्चे वैसे मेरी है तो मेरे से बहुत छोटी एज में बट कोई नहीं अब इन लायक संजय पैंतालीस दिन कहां से आएंगे पैंतीस दिन थर्टीज तो थर्टी डेज तो यूजुअली होते हैं प्लस फाइव डेज और मिल जाएंगे सर क्योंकि फॉरवर्ड होके आइए तो टोटल थर्टी फाइव डेज पैंतीस दिन सर अगर वो असिस्टेंट के थ्रू आई है तो कितने दिन पैंतीस श्रुति कह रही है रियली सर यू मैरिड सैय आप लोगों को ये नहीं पता यस आई एम मैरिड इधर ध्यान दो <laughs> और सुनो एक अभी एक पॉइंट करवाऊंगा आपको अगर लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है अगर आपको लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो सर कितने दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन दे देगा पीआईओ? मैक्सिमम फोर्टी एट आवर्स ओ माई गोड चलो कोई भी बच्चा मुझे नाज ये लाइफ एंड लिबर्टी वाली बात बता दो थैंक यू खुशबू चौहान मेरी वाइफ भी चौहानी थी बिफोर मैरिज तो अब बंसल है चौहान अब बंसल है इस केस में योर टीचिंग स्टाइल इज माइंड ब्लोइंग थैंक यू थैंक यू डियर थैंक यू यार अब नलायक खुशी पांच बच्चे भी हैं एक भी नहीं अभी अभी टाइम देते हो आप लोग बताना टाइम कितना हो गया दस बज के दस मिनट होगी अगर इन केस कोई बेबी वेबी हो रहा और रोने लग जाए तो कौन चुप करवाएगा बताओ वो अपने काम में वो भी सी एस है वो भी एल एल बी है वो अपने काम में लगी रही मैं तुम्हारे साथ लगा रहा हूं बताना जरा यू आर ओसम थैंक यू एक बार कोई बच्चा मुझे बताएगा लाइफ एंड लिबर्टी का क्या मतलब होता है ये क्या होगा जिस बच्चे ने बताया ना मैं कह रहा हूं जनवन ब्रिलियंट बच्चा है उसके सेवेंटी प्लस मार्क्स आएंगे यस अर्पिता गांधी लव मैरिज है हो यहां आ जाओ लाइफ एंड लिबर्टी मेरी लाइफ में घुस गए ये लाइफ एंड लिबर्टी बतानी अंकुश की लाइफ एंड लिबर्टी नहीं बतानी अपनी इसकी बतानी है <laughs> देखना फालतू बातें करते हैं ना बच्चे बढ़ गए व्यूअर्स वीव, बढ़ गए लाइफ अर्जेंटली नीड ऑफ ब्लड फिर उसकी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा मैं अंकुश वेता भाई ये कौन है ये आपको कैसे पता लगा अंकुश श्वेता अंकुश जहां अंकुश खत्म होता है वहां श्वेता शुरू होता है सच रिलेटेड इधर ध्यान से सुनो आर्टिकल 21 के अंदर जो भी हमें लाइफ एंड लिबर्टी के राइट्स दिए गए हैं उन सारे राइट्स की इंफॉर्मेशन आर्टिकल 21 में जितने भी राइट्स एंड लिबर्टी दी गई हैं उन सारे राइट्स की इंफॉर्मेशन आपको 48 घंटे में मिल जाएगी आपको अपने प्रोविडेंट फंड की इंफॉर्मेशन लेनी है सर आपको कोई फैमिली मेंबर का आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो किस हॉस्पिटल में मेरा पैनल है सर आप, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए सर आपको कोई ऐसे कि कौन पर्सन हमारी या सोसाइटी में शोर शराबा मचा रहा है सर उसकी इन्फर... कोई भी लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अड़तालीस घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी बढ़िया ग्रेट बहुत बढ़िया चलो इधर ध्यान दो तो इस केस में स्पेशल टाइम है सर अड़तालीस घंटे सर एक प्रोविजन होता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में सेक्शन इलेवन नहीं है लेकिन एक प्रोविजन होता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सर वो सेक्शन इलेवन को पूरा डील करता है बस एक यही लाइन है है हमारे सिलेबस में अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की रिलेटेड यानी वो इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को देनी है मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है पीए के पास किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन थी उसकी परमिशन के बिना सर पीए इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता तो सर इस केस में फोर्टी डेज हो जाता है टाइमिंग सर इस फोर्टी डेज को भी पता है क्या चलता है प्रैक्टिकली सर जब आप पीए को एप्लीकेशन लगाओगे पब्लिक पीआईओ क्या करेगा नोटिस देता है अब है ना पीआईओ क्या करता है सर नोटिस देगा किसको नोटिस देगा थर्ड पार्टी को सर ये थर्ड पार्टी को पांच दिन के अंदर अंदर जैसे आपके पास एप्लीकेशन लगाई पांच दिन के अंदर अंदर सर नोटिस जाता है सर उसके बाद ये अगले दस दिन के अंदर अंदर टेन डेज के अंदर अंदर विद इन टेन डेज सर ये अपना इस नोटिस की रिप्लाई करता है कि इंफॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी देनी है नहीं देनी अब पीआईओ खुद डिसाइड करेगा इंफॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी और जो पी आई यू इंफॉर्मेशन देगा अब थर्टी डेज का जो होते हैं प्लस टेन डेज का जो उसको टाइम पर दिया गया था ना ये एक्सटेंशन का यानी डेज ऑफ नोटिस जो दस दिन का नोटिस तो टोटल मिला के चालीस दिन हो जाते हैं तो ऐसे करके तीस दिन तो नॉर्मली है सर दस दिन जो उसको नोटिस के दिए गए रिप्लाई करने के तो दस दिन वो मिला के चालीस दिन हो जाते हैं थर्ड पार्टी के, के केस में समझ में आया सर ये पहले पता ही नहीं था सर थैंक यू अरे आपको नहीं सेंट ऑफ द स्टूडेंट जो यहां बैठे हैं उनको यही नहीं पता था लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 वाला को थोड़ी देर पहले समझा के हटा हूं इस केस में 48 घंटे में देनी है और अगर थर्ड पार्टी की है तो 40 दिन का पता लगा बाइफरकेशन प्लस टेन टेन कौन सा नोटिस का रिप्लाई करने का टाइम पीरियड बहुत बढ़िया यार मजा आ रहा है ना पढ़ने में सर इधर देख रहे हो सोनू कैसे चित चारों खाने चित्त यूट्यूब पे

पूरी तो नहीं मिलेगी टू बी वेरी ऑनेस्ट बट उसका ट्वेंटी परसेंट आप लोग को डिलीवर किया जा रहा है तो टेंशन फ्री रहो आप लोग बहुत बढ़िया नहीं टे, टे, टेबुलर फॉर्म में आंसर्स नहीं देने आपको एग्जाम में सीधा लिखना है अब इधर देख लो इधर ध्यान से सर एक केस आएगा वहां 45 डेज होंगे एक केस आएगा सर वहां 45 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन का सर ये कहा होगा अंडर सेक्शन 24, मैं एक ही जगह लिख रहा हूं सर 24 सेक्शन के अंदर आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा इंफॉर्मेशन देने का सर ये कब अगर ह्यूमन राइट वोयलेशन ह्यूमन राइट वोयलेशन की एप्लीकेशन आई है तो ह्यूमन राइट वायुलें की एप्लीकेशन आई है तो सर तो उस केस में अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन है तो सेक्शन ट्वेंटी फोर बोला गया है सर चौबीस पैंतालीस uh, दिन के अंदर अंदर अप्रूवल ऑफ सी आई सी सी आई सी से अप्रूवल लेके अपने आप से नहीं सी आई सी से अप्रूवल लेके सर पैंतालीस दिन के अंदर अंदर दी जा सकती है इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया सेक्शन ट्वेंटी फोर इज लाइक वो डिपार्टमेंट जो रेस्ट्रिक्टेड है आप वैसे तो सबकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो बट सेक्शन ट्वेंटी फोर में बोला गया कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो रेस्ट्रिक्टेड है जिनकी इंफॉर्मेशन जिनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी जो एग्जाम है जिन जैसे सीबीआई है रो है उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी वो भार है समझ में आया बहुत बढ़िया यार हां वही बड़ा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड ऑल बहुत बढ़िया असाम राइफल्स एनोल समझ में आ गया भाई अब इधर ध्यान से सारे बच्चे ना इधर ध्यान देंगे सर इन केस अगर पीआईओ अपने इस रेलेवेंट टाइम पीरियड में दो बातें होंगी अगर लैप्स ऑफ टाइम हो गया या दूसरा दो ही बातें होंगी या रिजेक्ट हो गया तीसरा इंफॉर्मेशन दी वी आई ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तीन बातें हो सकती है ज्यादा से ज्यादा सर अगर टाइम निकल गया जो तीस दिन पैंतालीस दिन वट एवर वह टाइम निकल गया ठीक है ना <laughs> निकिता ने क्या बात मार रही है और इधर ध्यान लगाओ यार पढ़ाई पे चलो इधर ध्यान लगाओ लैप्स ऑफ टाइम इस केस में सर आपके पास राइट टू अपील है आप जा सकते हो सर अगला सेक्शन अब वही पढ़ाऊंगा सेक्शन 19 में आपके पास राइट टू अपील है अगर रिजेक्ट कर दी सर आपकी एप्लीकेशन, मतलब इस लैप्स तो नहीं हुआ मतलब इसका मतलब मैं क्या बोल सकता नो रिप्लाई, सर आपको आंसर नहीं दिया विद इन टाइम सर इसमें रिप्लाई तो आया बट मना कर दिया कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे इस केस में भी आपके पास राइट टू अपील है सर सर आप सेक्शन 19 में आप अपील लेके जा सकते हो इधर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर हो सकता है आप सेटिस्फाई हो हो सकता है आप नॉट सेटिस्फाइड आप उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है अब क्या करें अगर सेटिस्फाई यहां हो तो बात खत्म अगर नहीं हो तो सेम अगेन सेक्शन 19 में सर आपको अपील लेके चला जाना है क्या क्लियर होगी पिक्चर क्या पिक्चर क्लियर हो गई इधर इधर ध्यान दो सर अगर आप इधर इधर अगर सर आप रिप्लाई नहीं करते हो सॉरी रिजेक्ट करते हो तो ध्यान से आपको ना दो तीन ओब्लिगेशन है इस केस में आपकी सिर्फ ऐसे रिजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा ऐसे मुंह उठाकर रिजेक्ट नहीं करना आपको ना तीन बातें बतानी पड़ेंगी रिजेक्शन के साथ रीजन क्यों हमने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है बहुत ध्यान से देख लो रीजन ऑफ रिजेक्शन अभी मैं बताऊंगा अपील सीनियर एंड ऑल सब कुछ बताऊंगा क्यों इतना वो कर रहे हो इधर ध्यान दो ना अपील रीजन ऑफ सच रिजेक्शन और कितने दिन में लेके जा सकते हो पीरियड विद इन विच सर कितने दिन में अपील लेके जा सकते हो पीरियड विद इन विच एन अपील में बी प्रेफर्ड सर कितने दिन में आप अपील लेके जा सकते हो लास्ट अपीलेटर थोटी किसके पास आप लेके जाओगे पर्टिकुलर ऑफ

कितने दिन में आप अपील लेके जाओगे और पर्टिकुलर्स अपीलेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स क्या है सर अपील लेके जाने के समझ में आ रहा है क्लियर है भाई इसी के साथ सर सेक्शन सिक्स और सेक्शन सेवन हमारा समाप्त हुआ समाप्त हुआ समाप्त हुआ इधर ध्यान दो सारा बच्चा सर और सर एक मिनट शांति का दान दो शांति का दान एक मिनट शांति का दान अभी बता रहा हूं हमेशा वेर यू कैन अपील एन ऑल टेंशन <laughs> वाह परश्मिता दिल जीत लिया आपके एक रिप्लाई ने तो कहती एट द रेट यस यू आर रॉन्ग तुम्हारा यूजर ही काफी है तु, तुम्हारी स्टेटमेंट के जवाब में <laughs> जो मैं कह रहा हूं <laughs> सोनू कह रहा मुझे भी चाहिए शांति सोनू कर्म अच्छे करो कर्म फल की इच्छा मत करो फल अपने आप देगा भगवान आप कर्म करो ना शांति लेने के लिए भगवान फल देगा क्लास बस होने वाला पूरा हमारा पंद्रह मिनट में यार यहां टाइम लगना था इन सेक्शंस में वहां लग चुका है इधर ध्यान दो सारा बच्चा सेक्शन नंबर एट सर कुछ पब्लिक अथॉरिटीज ये तो अलाउड है लेकिन इनकी ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेश सारी नहीं एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्कलोजर सर ध्यान से समझना सेक्शन एट टॉक्स अबाउट एक्सेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सर इंफॉर्मेशन को एक्सेप्शन मिली है सर इनको आपको डिस्कलोजर नहीं देना सर ये ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं अगर ये ऐसी हुई तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना सर सेक्शन नाइन सर अगर वो मैटर कॉपीराइट वगैरह का हुआ तो आप रिजेक्ट कर सकते हो रिजेक्शन उस एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर सकते हो सर मेरे एक करोड़ वापस करो अच्छा दिखाना एक बार अकाउंट में एंट्रीज एक करोड़ रुपए मेरे पास अगर आ गए तो मैं यहाँ क्या मतलब रात रात को बैठ के काम करूंगा क्या आप लोगों के साथ नलायक सर सेक्शन एट और सेक्शन नाइन मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो मिनट में लर्न हो जाएंगे इधर ध्यान दे सारा बच्चा बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाए आप के लिए और सब कुछ आप को रिवाइज करवा दिया ईच एंड एवरी वर्ड सर लिख के आप लोग को बता दिया है सारा फटाफट से हाईलाइट करते जाएंगे सर अगर वो इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है या ऐसी कोई चीज है जिससे ऑफेंस को उकसाना पड़ रहा है उत्साह मिल रही है सर ऑफेंस को उकसाया जा रहा है तो यहां एक छोटी सी चीज याद रखो सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी सोवर्जिनिटी सिक्योरिटी ऐसे याद कर लो सोवर्जिनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बस इतना याद रख लो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारी देश की सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इफेक्ट होगी तो वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी दूसरी चीज इधर अगर सर उस वजह से अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर अवेल ना हो रही है सर किसी कोर्ट ने किसी ट्रिब्यूनल ने बोला था ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को दे दो तो इंफॉर्मेशन विच इज फोरबिडन बाय तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कोर्ट ने इंफॉर्मेशन फोरबिडन फॉरबिडन का मतलब मना कर रखा है बाय एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने मना कर रखा है इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करनी फिर भी आप कर देते हो सर पार्लियामेंट को एडवांटेज दी गई है कोई कुछ बातें जो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर में अगर वो इंफॉर्मेशन आप बाहर करते हो तो उनका ब्रीच हो जाएगा उनकी प्राइवेसी का उनकी प्रिविलेज उनकी एडवांटेज उनकी प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा सर वो आप बाहर नहीं बता सकते तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सर कोई कॉन्फिडेंशियल जैसे कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क सर कोई ट्रेड सीक्रेट अगर आपने कहीं रजिस्टर करवाए तो कॉपीराइट पेटेंट इनकम टैक्स सॉरी कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट आपकी उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता सर अगर फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हमारे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फॉरेन गवर्नमेंट ने बोला है कॉन्फिडेंशियल रखनी है तो उसको हम लीक नहीं कर सकते सर अगर हम उसको बताते हैं तो किसी इंसान की लाइफ उसकी फिजिकल सेफ्टी खतरे में आ सकती है ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लीक नहीं करेंगे अगर किसी पर्सन की लाइफ लिबर लाइफ फिजिकल सेफ्टी अगर हार्म पहुंचेगी ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे सर ऐसे इंफॉर्मेशन अगर हम उसको करते हैं इंपीड का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट इंपीड का मतलब था ऑबस्ट्रक्ट सर अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अगर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे तो सर गवर्नमेंट की सर किसी कोर्ट की किसी ट्रिब्यूनल की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सर रुकावट आ सकती है तो सर सेक्शन एट ये सात आठ पॉइंट बोलता है सोवर्जिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सर कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल है सर पार्लियामेंट या स्टेट का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा कमर्शियली कॉन्फिडेंशियली सिक्योर इंफॉर्मेशन है सर फॉरेन गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिडेंस बोला है सर किसी इंसान की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी खतरे में है अगर हमने उसको बता दिया तो सर इन्वेस्टिगेशन के अंदर रुकावट पैदा हो सकती है सर ये सारी चीज अगर आ गई तो सर सेक्शन एट बोलता है ये सारी टाइप की इंफॉर्मेशन हमारी एग्जाम है सर पीए को एग्जेम्ट नहीं किया गया पीए की इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एग्जेम्ट किया गया है बस ये चीज समझ जाना एग्जाम में गलती मत करके आना क्या मुझे बताओ समझ में आ गया चलो बच्चों पार्टी लड़ाई झगड़ा खत्म करो इधर ध्यान दो सारे सर सेक्शन नाइन शुरू होने से पहले खत्म हो गया अगर वो इंफॉर्मेशन हम देते हैं तो किसी का कॉपीराइट इफेक्ट हो सकता है सर किसी इंसान के फेवर में कॉपीराइट है तो सर उस ग्राउंड पे पब्लिक अथॉरिटी आपकी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सकती है क्या मुझे बता दो क्लियर हो गया सर सेक्शन टेन बहुत ध्यान से समझना आपने सर सिटीजन ने कोई एप्लीकेशन लगाई है पी के पास सर जो एप्लीकेशन लगाई है उसका कंटेंट जो आपने इंफॉर्मेशन रिक्वायर की है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेक्शन एट सेक्शन नाइन के अंदर आती है एंड कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री है मतलब आप दे सकते हो उन को, यानी अलाउड है लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जो सर एग्जेप्टेड है जो नहीं दे सकते हो सर आप रिजेक्टेड है सर तो इस केस में अगर सर इन दोनों पार्ट को इन बोथ पार्ट्स को सेपरेट करना पॉसिबल है सेपरेशन अगर पॉसिबल है तो सर आप पार्शियल इंफॉर्मेशन दे सकते हो ये वाली और इसको रिजेक्ट कर सकते हो तो इस केस में सर पार्शियल इंफॉर्मेशन अलाउड है सेक्शन टेन यही बोलता है अगर आपने जो इंफॉर्मेशन डिमांड की है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन अलाउड है और कुछ नहीं है तो जो अलाउड है सर उसको दे दो और जो अलाउड नहीं है उसको रिजेक्ट कर सकता है पीआईओ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट उसकी अपनी मर्जी है इधर ध्यान दो सारा बच्चा इधर ध्यान दो फ द रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन रिलेशन टूर्मेशन विच इज एक्ट फ्रॉम डिस्कलोजर इन दैसेन एन इंफॉर्मेशन विच इज एक्ट फ्रॉम द डिस्लोजर एंड विच कैन रीजनेबली बी सीव सर उसको अलग करना पॉसिबल है और सिर्फ उसी पार्ट की देंगे सर जिसमें सेक्शन एट और नाइन इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या मुझे बताओ समझ में आ गया इधर ध्यान दे चलो बच्चों ये नोट्स हैं तो सारे दे दूंगा ये ये वाले नोट्स ये सारे नोट्स आपके ही हैं ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं एक ग्रुप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लो कहा गया वो नंबर ये रहा मेरा नंबर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो मैं ऑलरेडी ग्रुप में दे चुका हूं दोबारा सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल चुका हूं विवेक सर के तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई अच्छा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे नीचे ग्रुप आपको लिंक भी मिल जाएगा इस नोट्स का इस वाले चैप्टर के नोट्स का टेंशन मत लो सही कह रहे हो अंजू ये क्वेश्चन एग्जाम जून में ही आया सर जून ट्वेंटी टू में सेक्शन एट वाली इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार सेक्शन फोर वाली ओब्लिगेशन सेक्शन एट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले सारे पॉइंट सेक्शन एट ही लिखना है इसमें यार सेक्शन एट लिखना है यही तो लिखना है पॉइंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं सारे पॉइंट ये चलिए भाई लोग ये आप लोगों को क्रैम करना पड़ेगा बोलते है, सर यहां ना पीए एग्जाम है पीए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बाहर है इंफॉर्मेशन नहीं कह रहे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सर ऐसे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल सेंट्रल लेवल की बात हो रही है स्टेट नहीं तो यहां सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड ये कौन से अथॉरिटीज है सेंट्रल पी आईओ पी आई ए तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी सर उनको बाहर किया गया है जो सेकंड शेड्यूल में बताई गई है सर ये एजेंसी आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन अगर आरटीआई लगाता है तो आपके अगेंस्ट नहीं लगा सकता समझ मेरी बात ओसम awesome लेक्चर सर थैंक यू भाई साहब थैंक यू मेरी जान थैंक यू भाई इधर जान दो तो ये याद करना सब बच्चों को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ये पढ़ते रहना सीआरपीएफ आईटीबी तो याद एक काम करना सारे ना भी याद होना सात आठ पॉइंट याद कर लेना जो इजी दिख रहे हैं आई एस एफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो याद और एनएसजी जो याद हो जाए स्पेशल ब्रांच दादर एंड नगर हवेली द क्राइम ब्रांच सीआईडी अंडमान एंड निकोबार सीआईडी तो ये कुछ याद असम राइफल्स जो रो कुछ याद जो हो जाए ना ये वाले याद कर लो लक्षद्वीप पुलिस तो कुछ कुछ याद कर लो कुछ कुछ मत करो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लेकिन सर ये जो सेक्शन 24 में डिपार्टमेंट जो एग्जामेड हैं इनको भी सर इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है अगर ये दो केसेस आए तो सर इन दो केसेस में इनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है इन दो केसेस में इनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है कौन से दो केसेज में सर बोल रहे सेक्शन ट्वेंटी में में जो डिपार्टमेंट है एप्सोल्यूट बार नहीं है सर अगर कोई करप्शन का आरोप लगे इनके ऊपर सर रो ने असम राइफल्स ने सीआरपीएफ ने सर इन्होंने करप्शन घूस लिए ब्राइबरी लिए तो सर इनको भी आरटीआई लगा सकते हैं इनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सर किसी के ह्यूमन राइट right का वायोलेशन हो रहा है तो सर इनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बट सर अगर ह्यूमन राइट का वॉयेशन हो रहा है तो पैंतालीस दिन अभी थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं सी से अप्रूवल लेके सर सेंट्रल सीपीआईओ सर सीआईसी से अप्रूवल लेके पैंतालीस दिन के अंदर अंदर सर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है अगर सर ह्यूमन राइट right की वायोलेशन का एलिगेशन है तो यह डिपार्टमेंट भी एग्जेम नहीं है इनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी दो केस में एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट वायोलेशन समझ में आया क्लियर हो गया भाई कह रहे टाइम अप सर टाइम अप नालायक इंसानों एक सेक्शन 19 करवाना है मेरे को मेन तो आप कंप्लेन लेके भी जा सकते हो इधर जान कर लो हो गया मेरा अभी पांच सात मिनट और दे दो लेट भी तो शुरू किया मैंने हाँ सेक्शन ट्वेंटी के आठ दस पॉइंट याद कर लो काम चल जाएगा आज मैंने थोड़ा सा लेट भी तो शुरू किया इधर ध्यान दो टाइम अप सर अब जो इंफॉर्मेशन कमीशन है हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन बताया था ना आप लोग को दो तरीके का होगा सर सेंट्रल लेवल का भी होगा जो सेंट्रल पीआईओ को संभालता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एक स्टेट सर जो सीपीआईओ को संभालेगा वो ये सर जो एसपीआईओ को संभालेगा वो ये सर अब इसकी पावर्स क्या क्या है इसके फंक्शन क्या क्या है बोल रहे अगर कोई भी इंसान परेशान है तो कंप्लेन लेके क्या लेके हेलो क्या लेके कंप्लेन लेके जा सकता है कोई भी इंसान क्या सर पीआईओ अपॉइंट ही नहीं किया गया मैं कहा एप्लीकेशन लगाऊं मैं एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहा हूं तो क्योंकि सर देर इज नो पीआईओ आईओ नलायक ने डिपार्टमेंट ने पीआईओ आई अपॉइंट नहीं किया मैं कहा एप्लीकेशन लगाऊं समझ मेरी बात मैं सबको ऐड कर दूंगा भाई बहुत सारे मैसेज पेंडिंग पड़े हैं जब मेरी क्लास नहीं होती मैं फ्री बैठा होता हूं ना मैं आपको ऐड करवा देता हूं है ना अभी मैं कर लूंगा बट जो भी बच्चा मैसेज करो प्लीज अपना नाम जरूर डाल के भेजा करो ठीक है ना और जो पहले नहीं हो पाए दोबारा से मैसेज कर देना एक बार कर चुके दोबारा मत करना आफ्टर लेक्चर मुझे मैसेज कर देना कि सर और अपना नाम जरूर उसमें मेंशन कर देना और जो नया बच्चा है जिन जिनको आप अपने फ्रेंड्स को लेके आ रहे हो उनको भी बताना सर नोट्स और क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है इधर ध्यान दो सर पहली क्या सर पीआईओ पॉइंट नहीं हुआ मैं कहा एप्लीकेशन लगाऊ सर मैंने रिक्वेस्ट की ना नलैक ने मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी रिफ्यूज कर दी मना कर दी मेरी रिक्वेस्ट क्या करे सर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं वहां से कैंसिल करे जा रहा नलैक सर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली कह रहे यहां एक्सेप्ट ही नहीं की सर यहां एक्सेप्ट तो कर ली लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा देर इज नो रिप्लाई सर टाइम पर निकल चुका है सर तीस दिन पैंतालीस दिन पैंतीस दिन निकल चुके हैं नलैक रिप्लाई नहीं कर रहा मैं क्या करूं कंप्लेंट लेके जाऊंगा ना ऊपर तुम्हारे बोर्ड सीआईसी एसआईसी के पास सर फीस जो मेरे से मांग रहे हैं ना सर वो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं सर बननी चाहिए एक पेपर के दस रुपए वो एक एक पेपर के दस रुपए मांग रहे टोटल दस रुपए बननी चाहिए ना लायक क्यों मांग रहे हो भाई मेरे से ज्यादा मैं तो नहीं देना चाह रहा कंप्लेन लेके चले जाऊंगा सर जो इंफॉर्मेशन तो दी है बट वो इनकम्प्लीट दी है गलत दी है फॉल्स दी है सर ऐसे केस में भी मैं कंप्लेन लेके जा सकता हूं ऐसे केस में मैं कंप्लेन लेके जा सकता हूं और कोई भी मैटर जो भी आपको सही लगेगा उसके ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हो ध्यान से सेक्शन 18 के साथ सेक्शन 20 पढ़ना है हमें दैट इज पेनल्टी अब सर आप पीआईओ के अगेंस्ट अगर आप कंप्लेन लेके कहा पहुंच गए सर अगर आप पीआईओ के अगेंस्ट कंप्लेन लेके कहा पहुंच गए सीआईसी या एसआईसी के पास तो सर इसको पावर दी गई है सेक्शन ट्वेंटी में सर यह पेनल्टी लगा सकता है और हंसोगे अब आप कितनी पेनल्टी दो सौ रुपए पर डे सर दो सौ रुपए पर डे जो भी डिपार्टमेंट है अगर वो सेंट्रल पीआईयू है स्टेट पीआईयू है सर उनके ऊपर एप्लीकेशन लगा सकता हां इस चैप्टर के नोट्स एन एफ टेंशन मत लो लेकिन मैक्सिमम कितना 25000 लेकिन मैक्सिमम सर 25000 से ज्यादा सर पेनल्टी नहीं लगा सकता सीआईसी समझ में आ गई बात तो सर ये पेनल्टी है हमारी फटाफट से नेक्स्ट पेज में पेनल्टी दिखा रहा हूं भाई लोग ख लो पच्चीस ढाई सौ रुपए पर डे लेकिन मैक्सिमम पच्चीस सौ रुपए तो बोल सकता है विच इज लोअर अगर मान लो बीस दिन आपने डिले किया इंफॉर्मेशन देने में तो कितना बनेगा पांच हजार रुपए तो पांच हजार या पच्चीस हजार विच इज लोअर तो आंसर इज पांच हजार बट अगर मान लो सौ दिन नहीं अगर मान लो दो सौ दिन डिले कर दिया तो दो सौ दिन का मतलब कितना होगा दो सौ मल्टीप्लाई ढाई सौ करोगे तो पचास हजार रुपए होगा बोलते सर पचास हजार और पच्चीस हजार विच इज लोअर तो सर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी एक तरह से इन शॉर्ट मान लो मैक्सिमम कितनी है पच्चीस हजार समझ में आ गया बच्चा बोल रहा सर क्रिस्टल क्लियर बहुत बढ़िया है दिल खुश कर दिया सेम ग्राउंड्स पे देखो जब आप एप्लीकेशन लेके गए हो तो पेनल्टी सेम एक्सेप्ट नहीं की डिले कर दी सर गलत दे दी डिस्ट्रॉय कर दी इंफॉर्मेशन सर रुकावट पैदा कर रहे हैं जान पूछ के गलत इनकम्प्लीट इनको इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 18 में आपने कंप्लेंट की उसके ऊपर अब सीआईसी क्या करेगा इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करेगा एट द एक, एक रुकना मैंने या कहीं सी अच्छा दोनों ही लिखा है ना मैंने एक सेकेंड रुकना एक सेकेंड तो सीआईसी चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंट्रल है अपने अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में क्या करेगा सर वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा इंपोज दिस पेनल्टी ठीक है ना और अगर वो रेपिटेडली बार 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 फिर भी गलतियां करे जा रहे हैं बोलने के बाद भी तो सर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं सर उनको वहां से हटवा भी सकते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन स्टेप लिया जा सकता है क्या मुझे बता दो चैप्टर क्लियर हो गया एक जस्ट एक छोटा सा सेक्शन रह गया छोटा सा सेक्शन सेक्शन 19, सी आई सी एस आई सी क्या होते हैं लड्डू चीजें हैं वो आप अपने आप पढ़ लेना आपको दे दिए अमेंडमेंट आई है थोड़ा सा अमेंडमेंट डाली है तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है पहले पांच साल तक आप ऑफिस होल्ड कर सकते थे अब बोल रहे पांच साल तक नहीं है अब कितना भी टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उतना पैंसठ साल विच एवर इज अर्लियर जो भी अचीव हो जाएगा तो लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ लेना और सारा बच्चों वाली चीज सर में एक जो है वो कौन होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन उसके अलावा दस और इंफॉर्मेशन कमीशन हो सकते हैं सर इनको अपॉइंट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सर इन इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है कमेटी से अप्रूवल लेके कमेटी में कौन कौन बैठता है पीएम ओपोजिशन लीडर यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर सर नॉलेज क्या होनी चाहिए लॉ की साइंस की टेक्नोलॉजी की यह नॉलेज होनी चाहिए जो बच्चों वाली चीज है कब वो डिस्कवालीफाई हो जाएगा सर कब उसको इंफॉर्मेशन कमीशन को डिस्कवालीफाई मान लेंगे सर अगर वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो सर वो नहीं बन सकता इंफॉर्मेशन कमीशन का मेंबर सर वो कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता सर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए सर कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन वो नहीं करेगा समझ में आ गया तो बच्चों वाली चीजें वो सेल्फ रीड है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको पढ़ाना है दैट इज सेक्शन नंबर पेनल्टी पे पैसा हमें नहीं मिलता नलायक पेनल्टी पे पैसा इंफॉर्मेशन कमीशन डिपार्टमेंट का होगा हमें क्यों मिलेगा यहां तक क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन कमीशन वाला अपना आप पर लेना बिल्कुल लुसिड करके दिया यार आपको नोट्स में बिल्कुल ल्यूसिड अब इसका एक छोटा सा चार्ट बनवा रहा हूँ फटाक से मैं कह रहा हूं फटाक से अभी सारे बच्चे पूरे लेक्चर में ध्यान लगाए नहीं लगाए न कान पकड़ रहा हूं यहां ध्यान लगाओ इधर इधर कान दो इधर यही यहां ध्यान होना चाहिए हर बच्चे का बहुत ध्यान से आठ नंबर आज लिख के जाओ आठ नंबर हर बच्चा कमेंट कर देना यार यहां नहीं चैट में नहीं बाद में प्लीज आप लोग कमेंट नहीं करते हो मेरे को बड़ा बुरा लगता है बहुत इतने सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हो लेकिन कमेंट करते हो इतना सा बच्चा क्यों भाई कुछ मैं आप लोगों से चार्ज कर रहा हूं जस्ट एक आप लोगों का प्यार ही तो चाह रहा हूं ना एक शेयर करो अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में जिस भी अकेडमी जहां भी जो भी ग्रुप है आपका एंड देन सर दूसरी चीज मैं चाहता हूं यार कमेंट जरूर करो यार मुझसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा लास्ट थिंग ऑफ द डे लास्ट टॉपिक ऑफ द डे बहुत ध्यान से देखना यार बहुत ध्यान से यार फुल एनर्जी है सर जैसे एनर्जी से स्टार्ट किया था लेक्चर उसी एनर्जी के साथ आज आपका लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का डील कर रहा हूं इधर ध्यान देगा सारा बच्चा एक ना इसके अंदर इस नोट्स के अंदर एक एक सेक्शन और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना यार दैट इज सेक्शन 26 रोल ऑफ द गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट का क्या रोल है तो वो प्लीज आप एक बार ऐड कर लेना कभी आपका रह जाए और आप बोलो सर आपके नोट्स में नहीं था इधर ध्यान से सर तो ओ सर सर किसी सिटीजन ने एप्लीकेशन लगाई बहुत ध्यान से पूरा प्रोविजन पढ़ा रहा हूं और जिस बच्चे ने यह नहीं किया ना मैं कह रहा हूं सर कुछ नहीं किया फिर चैप्टर में सर एप्लीकेशन लगाई सेक्शन सिक्स में पीआईओ के पास अभी मैं कोई पर्टिकुलर सीपीआईओ एसपीआईओ की बात नहीं कर रहा हूं सर पीआईयू को सेक्शन सेवन के अंदर उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करना था करना था कितने दिन में करना था मैं अभी के लिए मान रहा हूं विदिन थर्टी डेज कितने दिन के लिए करना था अभी के लिए जनरल मान रहा हूं विदिन थर्टी डेज मैं इफ्सन बट्स में नहीं जा रहा हूं सब बच्चों को पता है. कितने दिन में करना था थर्टी डेज इधर सर दो बातें होंगी या तो नो no रिप्लाई करा ही नहीं सर लैप्स ऑफ टाइम हो गया या रिप्लाई रिजेक्ट कर दिया सर आपका या सर येक्ट इंफॉर्मेशन दे दी गलत इंफॉर्मेशन दे दी हाफ इंफॉर्मेशन दे दी पूछ के तीन बातें होंगी अगर रिप्लाई नहीं आया तो सर जिस दिन से थर्टी डेज खत्म हो जाएंगे जहां से थर्टी डेज ओवर एंड हो जाएगा दिन से थर्टी डेज का और या फिर अगर इनकोरेक्ट दी या रिजेक्ट कर दी तो जिस दिन इनकोरेक्ट या रिजेक्ट दी दैट डे इस दिन से जिस दिन आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है चाहे वो गलत हुई है चाहे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है इस दिन से सर आपके ये टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा यहां से स्टार्ट हो जाएगा टाइम पर फॉर अपील इस दिन से इधर ध्यान दो बहुत ध्यान से यार तो फर्स्ट अपील कहां जाती है सर अगर आप इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो बहुत ध्यान से बचा पार्टी बहुत ध्यान से यार सर जो फर्स्ट अपील है भाई लोग फर्स्ट अपील लेके आप जाओगे बहुत ध्यान से सीनियर ऑफिसर इन रैंक सर है पार्ट ऑफ सेम पी आईओ का सर पी ए सर जो पब्लिक अथॉरिटी है ना उसी में डिपार्टमेंट होते हैं सर जो पब्लिक अथॉरिटी बताई थी ना आपको पहले स्टार्टिंग में उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है तो मान लो सर एक डिपार्टमेंट था पी आईओ उससे सीनियर पी आईओ से सीनियर है पी आईओ का सीनियर बट पार्ट ऑफ सेम पब्लिक अथॉरिटी सर उसके पास फर्स्ट अपील जाएगी कितने दिन में अंडर सेक्शन नाइनटीन विद इन हाउ मेनी डेज कम ऑनराइज विद इन थर्टी डेज गोल्डन चार्ट है सर ये गोल्डन चार्ट पूरा जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना अबे नलायक अविनाश ये हाईकोर्ट वाला कहां से आया तू नलायक पाप लगेगा तेरे को पाप ध्यान से नहीं पड़ता क्लास में नलायक कहां जाना है बच्चों विद इन थर्टी डेज सीनियर ऑफिसर लेकिन क्या सर कॉन्डोनेशन मिलेगी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अलाउड है आंसर इज यस सर ध्यान से ये पॉइंट ध्यान से करना है सर 15 डेज की आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी सर अगर आपने समय आचना मांगी तो 15 दिन की एक्सटेंशन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो और 15 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी सर यूजुअली 45 दिन बोला जाता है विद इन फोर्टी डेज कर दो बट अगर नहीं हो पा रहा तो पंद्रह दिन की एक्सटेंशन और मिल जाती है और थोड़ा सा लिबरल है सर, टू टाइम एक्सटेंशन मिल जाती है लो मेकर थोड़ा सा लिबरल है देखो ये वाली लाइन पढ़ो the first appeal shall be disposed of within a period of 30 days sorry 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 sorry, sorry. इधर थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से यार थोड़ी सी गलती a small mistake from my side ये ना condonation of delay का टाइम इसको नहीं मिलेगा सॉरी यार तो इसको बोला गया डिले अब वो टाइम पर फिक्स नहीं है नो टाइम पर फिक्स सर जितना भी सीनियर ऑफिसर को सही टाइम पर लगेगा उतना आपको डिले का दे सकता है देयर इज नो टाइम पर फिक्स अंडर सेक्शन 19 आप बाद में देख लेना अर्पिता गांधी लास्ट सेक्शन में मैं तो बार बार बोल रहा हूं अगर आपको नींद आ रही है थोड़ा डिले हो रहा है तो आप बाद में देख लेना पांच मिनट का टॉपिक कोई दिक्कत नहीं है तो टोस दिन के अंदर अंदर सर आप एप्लीकेशन लगाओ अगर नहीं कर पाए तो कॉन्डोन ऑफ डिले मिल जाएगा बट कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने दिन की माफी और मिल जाएगी सीनियर ऑफिसर को कितने दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना है सर अब ये डिस्पोज ऑफ कर देगा जब से इसके पास अपील आई है विद इन नेक्स्ट थर्टी डेज सर अगले तीस दिन के अंदर अंदर ये डिस्पोज ऑफ कर देगा प्लस एक्सटेंशन मिल सकती है सर अगर बिजी होते हैं डिपार्टमेंट अगर नहीं दे पाए तो एक्सटेंशन मिल सकती है सर पंद्रह दिन की और अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो अगले पंद्रह दिन की और एक्सटेंशन मिल सकती है बट यूजअली बोला जाता है सर यहां पैंतालीस दिन के अंदर अंदर टोटल हो जाना चाहिए बट एक एक्सटेंशन और मिल सकती है देखो लैंग्वेज लो में करने क्या लिखी है फर्स्ट अपील शेल बी डिस्पोज ऑफ विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सटेडिंग टोटल एक काम करो इसको ना बस पैंतालीस दिन ही मानो यार ये इसका रहने दो इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूजन है आई विल रिवर्ट यू प्लीज इस चीज का इश्यू मत बना देना ये है वो है आई विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट कि सर कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है मेरे अकॉर्डिंग पैतालीस दिन होना चाहिए ईसी ने जो फिफ्टीन डेज वाली बात लिखी है मेरे को लगता है इसी को लेकर लिखा है कि तो टोटल पैंतालीस ही होना चाहिए जी समझ में <laughs> कह रहे अर्पित पार्लियामेंट में जाना है बच्चा पार्टी इधर ध्यान दो सारे रटने वाले बच्चे इधर ध्यान दो सर आप इसके ऑर्डर से भी नाराज हो आप इसके ऑर्डर से भी परेशान हो तो सेक्शन नाइनटीन बोलता है भाई आ जा सेकेंड अपील में आ सेक्शन नाइनटीन में ही जाएगी लेकिन ध्यान से सर सेकेंड अपील जाएगी विद इन हाउ मेनी डेज 90 डेज विद इन हाउ मेनी डेज विद इन नाइनटी डेज सर नब्बे दिन में अपील जाएगी ठीक है नब्बे दिन के अंदर अंदर अपील जाएगी विद इन नाइन्टी डेज नाइन्टी डेज किस जाएगी सर इंफॉर्मेशन कमीशन लिख रहा हूं मैं अगर वो स्टेट है तो स्टेट वाले को चली जाएगी स्टेट वाली पीए है तो अगर वो सेंट्रल डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल डिपार्टमेंट वाले तो इंफॉर्मेशन कमीशन को किसको जाएगी सर सेकंड अपील इंफॉर्मेशन कमीशन को विद इन नाइनटी डेज और सर देन ये आपके अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा क्लियर है भाई तो अगर आपकी दे, देरी हो गई कॉन्डोनेशन भी मिल सकती है अगर नब्बे दिन में नहीं जा पाए तो टाइम पेड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का बताया नहीं है बट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल सकता है इंफॉर्मेशन कमीशन भी आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बिल्कुल लेकिन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ना ऑलवेज जस्टिफाइड रीजन पर मिलता है क्यों डिले हुआ भाई आपसे जस्टिफाइड ग्राउंड पे मिलेगा ये अच्छा इसको कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना है नो टाइम पेड डिस्क्राइब नो टाइम पर डिस्क्राइब लेकिन यहां तो बताया था ना कितने दिन में करना है तीस दिन में सर राइट टू स्लीप इज इन आर्टिकल ट्वेंटी स्टेडियम में डालो अच्छा पता है क्या होता है ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा कि यहां आपको क्यों जगवाया जा रहा है यहां जगवाने का ऑब्जेक्टिव आपको पास करवाना आपको रैंक दिलवाना आपको जेआईल में इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स दिलवाना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अगर हाई कोर्ट के सामने रिट लेके जाओगे तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगा ठीक <laughs> है सौरभ मैं अपना केस खुद लड़ूंगा उम्मीद है यार सब बच्चों को मजा आया होगा पूरा का पूरा अपील वाला प्रोविजन भी टिप्स पे रट गया होगा सिक्स सेवन सेक्शन एट सेक्शन नाइन सेक्शन टेन सेक्शन सेक्शन वाइज भी सर लर्न हो गए सेक्शन ट्वेंटी पेनल्टी सेक्शन नाइनटीन अपील सेक्शन एटीन सर कमीशन को रिक्वेस्ट कंप्लेंट जाना क्या मुझे बताओ सब कुछ बिल्कुल डिटो माइंड में सेट ईच एंड एवरी वर्ड क्रिस्टल क्लियर बस फटाफट फड़ से आप अपना आंसर देकर जाओ क्या सर सब कुछ समझ में आया क्या सर सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सीनियर ऑफिसर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी सर इंफॉर्मेशन कमीशन क्या ईच एंड एवरी वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई क्या ईच एंड एवरी वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया कौन सा क्वेश्चन पूछा है मुझे नहीं पता सर 90 डेज रिजेक्शन और अदर केस नहीं नहीं 90 केस यहां से 90 डेज यहां से यार यहां से नाइनटी डेज जहां से फर्स्ट अपील का आंसर आएगा जिस दिन फर्स्ट अपील का डिसीजन से 90 डेज कैसी बात करते हो यार कैसी बात करते हो फर्स्ट अपील वाला चलो यार बढ़िया से अब नींद आएगी मुझे भी क्योंकि यार बच्चों का मैंने बिल्कुल आपको नजदीक लेके जा रहा हूं परफेक्शन की तरफ यार सर बेस्ट रिवीजन सर बहुत बढ़िया यार चलिए दोस्तों इसी तरीके से एंजॉय करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके नोट्स आप लोगों को सेम डे डाल दूंगा जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है जो आपके फ्रेंड्स को ऐड होना है उनको लेके आया करो रिवीजन में यार और फटाफट -फड़ से मुझे मैसेज करो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा कोशिश करूंगा आज कल परसों तक आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा एंड फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर के साथ दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट कोशिश करूंगा इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको कल मैं प्रोवाइड करूं ध्यान से ग्रुप में ध्यान रखना उस एक क्वेश्चन का तो हर बच्चे को आंसर लिखना है देन उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता दूंगा अलग से वीडियो में रिवीजन क्लासेस के बीच में मिंगल अपना ही करूंगा अलग से छोटी सी रील टाइप की बना के उसको आपको वीडियो का आंसर बता दिया जाएगा समझ में आया बहुत बढ़िया यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के आपको दे दूंगा ठीक है ना यानी संजीवनी बूटी आपको मिल जाएगी कोशिश करूंगा माइंड मैपिंग अभी बनाने का टाइम लगा अदरवाइज मे मंथ में वो भी दे दूंगा जो आपके लास्ट में काम आनी है बाय बाय टेक केयर गुड गॉड ब्लेस यू आर गुड नाइट फिर मिलते हैं जी सब बच्चों को आना है वेनेस्डे नौ बजे रजिस्ट्रेशन एक्ट बाय बाय टेक केयर यार गोड ब्लेस यूर चलो फटाफट जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया लाइक करके जाना और कमेंट जरूर करना है बाद में यहां नहीं बाद में कमेंट जरूर करना है यार चलिए व्हाट्सएप नंबर ही है तो मेरा ये नंबर व्हाट्सएप नंबर ही तो है